लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बैठक के बाद बड़ा एक्शन। डेंगू के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए नगर निगम, जिला प्रशासन पूरे लखनऊ में चलाएगी विशेष अभियान। शहर के 110 वार्डों में किया जाएगा फागिंग एवं लार्वा दवा का छिड़काव। सभी वार्डों में किया जाएगा दवा वितरण। नगर निगम की एक बड़ी टीम इस विशेष अभियान को देगी अंजाम। हरी झंडी दिखाकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की आरवाना 1090 चौराहे से शहर में रवाना हुई नगर निगम की टीम। पहल की है 400 से अधिक वाहन चार पहिया मोटरसाइकिलों के साथ एंटी जो लार्वा मारने की कीटनाशक दवाइयां हैं और जो फागिंग मशीन है एक साथ रवाना की गई हैं, जो हर मोहल्ले में हर गली में जाएंगी, घर घर दस्तक देंगी। नागरिक सुरक्षा संगठन को भी साथ में लगाया गया है। एक भी मच्छर आज लखनऊ में नहीं बचेगा। इस प्रकार के एक महाअभियान के प्रारंभ आज यहाँ पर 1090 से किया गया है। इस अभियान के साथ मैं कह सकता हूँ डेंगू को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार ने हर उपाय करने के लिए तैयार है। पूरे नगर निगम की टीम है। स्वास्थ्य महकमे ने तय कर लिया है कि एक भी मरीज को हम वापस नहीं करेंगे। हर स्थिति में सभी मरीजों को हम भर्ती करेंगे, उनका इलाज करेंगे और प्लेटलेट्स ब्लड की कोई दिक्कत नहीं। लखनऊ के साथ साथ और किन अन्य जनपदों में? सभी जनपदों में हम जाएंगे। 5 जनपदों में डेंगू के मरीज अधिक हैं, उनमें मैं स्वयं जा रहा हूँ। प्रयागराज होकर के आया हूँ, अभी आज अलीगढ़ और गाजियाबाद जाऊँगा। अयोध्या में हमारे राज्यमंत्री जी गए हुए हैं और 75 के 75 जनपदों में स्वास्थ्य विभाग ने नोडल अफसर तय करके ये जिम्मेदारी उठाई है कि डेंगू को हम समाप्त करेंगे।